नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई का तो एक एग्जांपल है, बाकी किसी भी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं हर बार ये वीडियो में बनाता हूँ कि आज शमशेर का नंबर आया है, कल किसी और का भी नंबर आ सकता है, आप भी उस नंबर में आ सकते हो, सकता है आए भी होंगे। जी हाँ, शमशेर झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला था, दुबई में अभी थोड़े टाइम पहले गया था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन के जॉब में ये बंदा काम करता था और ये कोई कंपनी में ऑन ड्यूटी के दौरान में जॉब करते हुए कंपनी में आग लग गई थी। आपको आपने अगर आप उधर हैं तो आपको सबको पता भी होना चाहिए, दुबई में शायद सुबह का 8:30 से 9 बजे के बीच में टाइम रहा होगा, 15 मंजिल से आग लगनी स्टार्ट हुई जो 50वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। और मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारे और भी काम कर रहे होंगे। ये न्यूज़ भी आई, कौन ध्यान देता है, कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन ये पड़ोस में आया। ये मुझे किसी ने वीडियो या फिर किसी ने बताया नहीं है, मैं मेरी तरफ से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये शमशेर के घर वाले या कोई जानकार ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक झुंझुनू का चैनल है वो मेरे सामने किसी दुबई से किसी बंदे ने मुझे भेजा था सर कि देखिए दुबई में झुंझुनू का बंदा ऐसे आग लग गई उसको, तो उसकी बॉडी 16-17 दिन के बाद में घर आ गई थी, 3 महीने की उसकी सैलरी बाकी थी, कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट उसको है नहीं। तो उस दौरान अगर घर वाले मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो हम पूरी डिटेल्स इसका एक वीडियो बनाएंगे और कंपनी पे दबाव डालेंगे कि भाई इसकी सैलरी बकाया है उसका इंश्योरेंस मिला जाए। जी हाँ, उन घर वालों को दी जाए। यार अफसोस की बात है, शमशेर की अंधी माँ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। एक गरीब घर का बंदा विदेश में कमाने के लिए गया, वहाँ उसकी डेथ हो जाती है और कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ये क्या है, दुबई का लेबर लॉ ये बोलता है क्या? दुबई का लेबर लॉ तो बहुत कुछ बोलता है, कंपनी आपको तनख्वाह भी देगी, कंपनी आपको मुआवजा भी देगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, 1 महीने में सब कुछ मिल जाएगा। रिक्वेस्ट ये कि आप मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं वो वीडियो देखा, उसके नीचे मैंने कमेंट भी किया था कि भाई इसके जानने वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करें। 2 दिन बाद मैंने वो कमेंट देखा, मेरा कमेंट चैनल वालों की तरफ से डिलीट कर दिया गया था। या तो चैनल वाले नहीं चाहते होंगे कि इसको कुछ मिले या उससे उनसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि कमेंट का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कमेंट करके स्क्रीनशॉट लिया, 2 दिन बाद मेरा वो कमेंट वहाँ पर नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपके पता है झुंझुनू में एक ऐसा ही बंदा जो कोरोना में डेथ हो गई थी, हमने उसके 2-3 वीडियो भी बनाए थे, उनका झुंझुनू का ही था आपके, उनका मुआवजा भी उनको मिल चुका है, 7 लाख के करीब उनको मुआवजा मिल गया है, बॉडी भी उनके घर आ गई थी 40 दिन से पूरी प्रयासों के बाद में वो बॉडी आई थी, वरना तो कंपनी बॉडी देने को भी तैयार नहीं थी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूँ, उनके घर वाले मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लें, सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उनके घर वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करें, वीडियो उन तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। आज ही हादसा आपके साथ, इनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। कंपनियां अपनी खुद की जिम्मेदारी से नहीं होती है, उनके ऊपर दबाव मिलता है और कानून का डंडा पड़ता है ना उनको, कि लगता है कि अब अपने खिलाफ में एक्शन होगा, तब जाके उनकी आंखें खुलती है, वरना उनकी आंखें नहीं खुलती है। तो झुंझुनू में शमशेर की जो उनके साथ ट्रेजडी हुई है, उनके घर वालों घर की स्थिति मैंने वीडियो में दिखाई गई थी, देखी थी यार, बड़ी दयनीय स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और गरीब परिवार कोई होगा। जी हाँ, तो उम्मीद है कि आप जैसे ये वीडियो पहुंचेगा मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे, बिना पैसे हेल्प करता हूं भाई इन चीज़ों की, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, और भी बहुत सारे लोगों की जितने भी मैंने वीडियो बनाए उनकी हेल्प की है, मैंने एक चवनी भी नहीं ली है, इनसे भी कोई पैसा लेने वाला हूं नहीं, बल्कि पैसे दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका हक है। आपको पता है लेबर कोड, आपको बिना आपकी इंश्योरेंस की आप जॉब नहीं कर सकते, आपकी इंश्योरेंस भी होती है कंपनी में, आपकी तनख्वाह आपका बोनस सब कुछ बाकी होता है, वो कंपनी को देना होता है, सब कुछ मिल जाएगा। आप कॉन्टेक्ट ज़रूर मेरे से एक बार करिए, ये वीडियो घर तक उनके तक पहुँचाइए। बस ये वीडियो में इतना ही बोलना था, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।